नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट ड्रीम इलेवन में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स वीक बेस्ट लीग का, जो कि दोस्तों इसका आज स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट मैच दोस्तों होवार्ड हरिकेन्स वुमेन और पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स के बीच होने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन और साथ साथ ड्रीम इलेवन टीम। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, और जल्दी जल्दी दोस्तों बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं दोस्तों वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों टीमों का, सबसे जान लेते हैं कि प्लेइंग इलेवन किस तरह से होने वाला है। और दोस्तों साथ साथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, कुछ बड़े प्लेयर जैसे स्मृति मानधना और हितर नायर जैसे प्लेयर दोस्तों इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो दोस्तों वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो दोस्तों जरूर जरूर एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन आज का मैच में किस तरह से हो सकता है। दोस्तों बात कर लीजिए होवार्ड हरिकेन्स वुमेन की प्लेइंग इलेवन की, तो यहाँ दोस्तों आपको हेली मैथ्यूज ओपनिंग करते दिख जाएगी जॉर्जिया रेडमाइन के साथ। फर्स्ट आपको दोस्तों कॉर्नर हॉल दिख जाएगी, स्टेफनी डफारा, एस मुलानी, वेरोनिका पाइक, एम फिलिप्स, यहाँ दोस्तों एडे या फिर के फ्राइट में से किसी एक का चांस ज़्यादा दोस्तों मुझे यहाँ के फ्राइट का लग रहा है। चाहो तो दोस्तों आप के फ्राइट के साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छा दोस्तों ये बॉलर है। उनके बाद एलेक्स हार्टरी, ब्रूक हैपबर्न, उनके बाद दोस्तों फैजा केरली, ये दोस्तों इनका प्लेइंग इलेवन हो सकता है। जहाँ अगर मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ फ्रेंड, यहाँ से हैली मैथ्यू, जॉर्जी रेडमाइन, कॉर्नर हॉल, एस डफारा काफ़ी अच्छा प्लेयर दोस्तों है। उनके बाद दोस्तों यहाँ से एस मुलानी, वेरनिका पाइक बहुत बढ़िया दोस्तों ऑलराउंडर है। उनके बाद यहाँ से एलेक्स हार्टरी, ब्रूक हैपबर्न काफ़ी अच्छा प्लेयर दोस्तों, ये सब इन्हें अपने जरूर जरूर अपने टीम में पिक करना है दोस्तों, इन्हें नहीं ड्रॉप करना है, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेयर हो सकती है। तो उनके बाद दोस्तों बात कर लीजिए पर्थ स्कॉचर वुमेन्स की प्लेइंग इलेवन की, तो यहाँ दोस्तों आपको निकोल वाल्टन ओपनिंग करते दिख सकती है एलिस विलानी के साथ। फर्स्ट रन आपको मैग लैनिंग, उनके बाद हितर ग्राम, उनके बाद दोस्तों लॉरेन एब्सरे, उनके बाद दोस्तों देवचैन, उनके बाद दोस्तों आपको कार्मिकल, एस ब्रेनन, एमिली सिमी जो कि दोस्तों इस मैच में विकेट कीपिंग करने वाली है, कैटी क्रॉस और दोस्तों एमा किंग, ये इनकी प्लेइंग इलेवन हो सकती है। काफ़ी अच्छी दोस्तों इनकी टीम लग रही है, तो आप इन्हीं टीम में दोस्तों ज़्यादा प्लेयर पिक करना, अपने बेस्ट प्लेयर दोस्तों अपने हिसाब से चूज़ करना है। इसमें दोस्तों मैं अगर आपको बेस्ट प्लेयर बता देता हूँ, निकोल बोल्टन, एलिस बिलानी, मेग लैनिंग काफ़ी अच्छा तीन प्लेयर दोस्तों, तीन इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। हितर ग्राम दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है। उनके बाद यहाँ से कैटी क्रॉस, एमा किंग काफ़ी अच्छी दोस्तों दो बेहतरीन बॉलर है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हमारा ड्रीम इलेवन टीम किस तरह से क्रिएट होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ आपके लिए तीन ऑप्शन है, जॉर्जिया रेडमाइन, एमी जॉन्स, एमिली स्मिथ। दोस्तों इन तीन में से ये दो नहीं खेलने वाली है, ज़्यादा एक दोस्तों नहीं खेलने जो कि एमी जॉन्स का है। बहुत लोगों ने दोस्तों एमी जॉन्स के साथ गया, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 69% लोगों ने एमी जॉन्स के साथ गए हैं, जो कि दोस्तों कंफर्म आज का मैच में दोस्तों नहीं खेलने वाले। इनको इंजरी हुआ है जो कि दोस्तों अभी तक नहीं पहुंच पाए, इंजरी के कारण दोस्तों ये मैच ये मिस करने वाली है। तो आप इन्हें अपने टीम में मत पिक करना, आप जॉर्जिया रेडमाइन के साथ अब जा सकते हो जो कि दोस्तों आपको ओपनिंग करने वाली है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो आप दोस्तों एमी जॉन्स को दोस्तों लेने का आप कोशिश मत करना, नहीं तो दोस्तों आपका 100% ये प्लेयर मिस हो जाएगी। 100% मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आज का मैच एमी जॉन्स नहीं खेलने वाली है, तो आप अपने हिसाब से भी सोच लेना दोस्तों कि अगर आप एमी जॉन्स को पिक करते हो तो आपका प्लेयर कन्फर्म मिस होने वाला है। उनके बाद दोस्तों बात कर लीजिए बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ से मैंने तीन प्लेयर को पिक किया है, मेग लैनिंग, निकोल बोल्टन, एलिस बिलानी। दोस्तों इसमें अगर मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता दूँ, स्मृति मानधना, हितर नायर दोस्तों नहीं खेलने वाली है, अभी तक दोनों दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच पाई है, जिसके कारण दोस्तों स्मृति मानधना अगले वीकेंड से टीम के साथ जुड़ने वाली है दोस्तों, और हितर नायर अभी तक दोस्तों नहीं पहुँच पाई है। तो इन दोनों को दोस्तों अपने टीम में नहीं लेना है, काफ़ी लोगों ने इन दोनों प्लेयर दोस्तों टीम में ले चुका है, देख सकते हैं आप दोस्तों 69% लोगों ने स्मृति मानधना। उनके बाद दोस्तों यहाँ से हितर नाइट को भी काफ़ी लोगों ने 74% लोगों ने हितर नाइट को पिक कर रखा है दोस्तों, तो आपने इन्हें नहीं पिक करना, जो मैं आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लाया हूँ। स्मृति मानधना और हितर नाइट इस मैच में नहीं खेलने वाले, तो आपने दोस्तों इन्हें ड्रॉप कर देना है। उनके बाद यहाँ से कॉर्नर हॉल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, स्टेफनी डफारा, लॉरेन एब्सरे, उनके बाद दोस्तों यहाँ से कोई प्लेयर मुझे बेस्ट नहीं, एस आर डे दोस्तों थोड़ा रिस्की है, तो आपने एस आर डे को दोस्तों ड्रॉप कर देना है। उनके बाद यहाँ से दोस्तों कार्मिकल आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन है, आप कार्मिकल के साथ आप जा सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। तो यहाँ से आप मैं अगर दोस्तों आपको उसी ऑप्शन बताता हूँ, तो कॉर्नर हॉल, स्टेफनी डफारा, लॉरेन एब्सरे, उनके बाद यहाँ से दोस्तों सबसे नीचे मैथिलिडा कार्मेले, दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो आप इन्हें मैं स्किन को दोस्तों पिक कर सकते हो। मैं आपको तीन बेस्ट ऑप्शन दोस्तों बता चुका हूँ। उनके बाद बात कर लीजिए ऑलराउंडर सेशन की, तो मैं यहाँ दो प्लेयर के साथ जा रहा हूँ, हैली मैथ्यूज, हितर ग्राम, आप चाहो तो यहाँ दोस्तों सासा मुलानी के साथ जा सकते हो, मेग फिलिप्स के साथ जा सकते हो, या फिर उनके अलावा दोस्तों यहाँ से भविषा देवचंद एक अच्छे ऑप्शन है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। यहाँ से दोस्तों ये सभी रिस्की प्लेयर है, एमा थॉम्सन, पीपा क्लियरली, ये सभी दोस्तों रिस्की। इसमें मैं दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट लाऊँ, वो हैली मैथ्यूज और हितर ग्राम का है, दोस्तों आपने इन दोनों को नहीं ड्रॉप करना है दोस्तों, दोनों ही बहुत अच्छा प्लेयर है। तो उनके बाद दोस्तों बात कर लीजिए बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ से मैंने दोस्तों पाँच बॉलर को ट्राई किया है, क्योंकि फ्रेंड
जो वुमेंस का मैच होता है उसमें अधिकतर दोस्तों विकेट गिरती है, ज़्यादा दोस्तों 20 विकेट गिरने का चांस रहता है फ्रेंड, इसलिए यहाँ ज़्यादा दोस्तों मैंने बॉलर को ही ट्राई किया है। ब्रूक हैपबर्न, बेर्निका पाइक, कैटी क्रॉस, एमा किंग और एलेक्स हार्टली, दोस्तों ये मेरे 5 टॉप क्लास बॉलर होने वाली है फ्रेंड। उनके बाद यहाँ से आपके लिए ऑप्शन बता दूँ तो यहाँ से दोस्तों आपके लिए एरिन फेज केरलेडी, उनके बाद दोस्तों कैटलिन फ्राइट थोड़ा की है तो आपने ड्रॉप करना है दोस्तों। उनके बाद यहाँ से कोई मुझे दोस्तों प्लेयर बेस्ट नहीं लग रहा है, तो आपने चाहो तो यहाँ से ब्रेनन आज का मैच खेलने वाले फ्रेंड, तो आप ब्रेनन के साथ आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेयर है फ्रेंड। तो इनके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा, मैंने आपको 5 बेस्ट ऑप्शन बता दिया। अगर चाहो तो आप इसमें से 4 पिक करो या फिर 3 पिक करो दोस्तों, मैं वो आप पे छोड़ता हूँ। फिर से बता दो दोस्तों कि ब्रूक हैपबर्न, बेर्निका पाइक, कैटी क्रॉस, एमा किंग, एलेक्स हार्डली, दोस्तों ये सभी आज का मैच खेलने वाली है, तो दोस्तों इन्हीं में से आपने ज़्यादा प्लेयर दोस्तों पिक करना है, अदर प्लेयर आपने दोस्तों नहीं चूज़ करना है। तो वही दोस्तों बात कर लीजिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी में दोस्तों यहाँ से हैली मैथ्यू जो वाइस कैप्टन, दोस्तों मैं एलिस बिलानी के साथ जा रहा हूँ। यहाँ से अगर दोस्तों मैं अगर आपको ऑप्शन बताता हूँ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हीथर ग्राम, उनके बाद यहाँ से मेग लैनिंग भी काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों, तो आप एलिस बिलानी को ड्रॉप करके आप चाहते हैं यहाँ से मेग लैनिंग को दोस्तों वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। उनके बाद यहाँ से अगर दोस्तों बॉलिंग की बात कर जाए तो यहाँ से सबसे बेस्ट आपके लिए दोस्तों बेर्निका पाइक, ब्रूक हैपबर्न और एलेक्स हार्डली, ये सभी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और एमा किंग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन कंसिडर करना। मेरा कैप्टन दोस्तों हैली मैथ्यूज और वाइस कैप्टन एलिस बिलानी ही रहने वाली है। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्मॉल लीग की टीम जो कि दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको टीम दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड। फिर से मैं आपको अपना टीम का प्रीव्यू बता दूं, यहां से जॉर्जिया रेडमाय दोस्तों मैंने विकेट कीपर में से लिया है, बैट्समैन दोस्तों मैग लैनिंग, निकोल बोल्टन, एलिस विलानी, दोस्तों जो कि तीनों का तीनों बैट्समैन दोस्तों मैंने पर्थ स्कॉचर्स की टीम से लिया है। हैली मैथ्यूज, हीथर ग्राम दोस्तों दो मैंने ऑलराउंडर पिक किया। उनके बाद दोस्तों बॉलिंग सेशन से मैंने ब्रूक हैपबर्न, वेर्निका पाइक, एलेक्स हार्टरी, एमा किंग, कैटी क्रॉस, दोस्तों ये मेरे 5 बॉलर हो गई। तो दोस्तों ये मेरा टीम रहने वाला है, तो दोस्तों आप भी चाहो तो इस टीम के साथ जा सकते हो, या फिर अपने हिसाब से भी दोस्तों जो मैंने आपको सेफ प्लेइंग 11 दिया है उसके हिसाब से भी आप टीम लगा सकते हो फ्रेंड। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।